आप ये ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि ट्रांसप्लांट में हमें कितना खर्चा करना चाहिए और ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है और आपको जस्टिफाइड कॉस्ट क्या होनी चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, मतलब एक जायज कॉस्ट क्या होनी चाहिए जो आपको पे करनी चाहिए क्लिनिक को और उससे आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिल जाए। मोस्टली पेशेंट ज्यादा वो होते हैं जिनका थोड़ा बजट टाइट होता है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक मतलब एक डेडलाइन बनानी है, क्राइटेरिया बनाना है कि हाँ मेरे को इतना ही खर्चा करना है अपने ट्रांसप्लांट के ऊपर। और मैं साथ में अपना ट्रांसप्लांट कॉस्ट भी बताऊं कि मेरी सेकंड हेड ट्रांसप्लांट में मेरा कितना खर्चा हुआ। मेरा अभी 4.5 महीने पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, सेकंड हेड ट्रांसप्लांट मेरे हेयरलाइन का और क्राउन का। मेरा रिजल्ट आप मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, अभी रिसेंटली मैंने अपना रिजल्ट दिखाया, शो किया है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, वीडियो जरूर देखना। और आपको मैं आज अपनी कॉस्ट भी बताऊं कि इस जबरदस्त रिजल्ट की मेरी कॉस्ट क्या आई मेरे ट्रांसप्लांट में और आपको क्या पे करना चाहिए आपने बेस्ट रिजल्ट के लिए, सिर्फ इतना ही पे करना चाहिए या ज्यादा पे करना चाहिए, सस्ते क्लिनिक में अच्छा ट्रांसप्लांट होता है या जो महंगे क्लिनिक होते हैं उनमें ज्यादा अच्छा ट्रांसप्लांट होता है। तो इसी से रिलेटेड आज पूरी वीडियो होगी। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपके मन में जैसे ही ट्रांसप्लांट कराने का आता है तो सबसे पहली जो बात आती है वो ये होती है कि ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, जो ट्रांसप्लांट के चार्जेस है वो 10 रुपए पर ग्राफ्ट से शुरू होते हैं इंडिया में और 300 रुपए पर ग्राफ्ट तक जाते हैं। तो बहुत सस्ते ट्रांसप्लांट भी हो रहा है क्लिनिक में, कुछ क्लिनिक में, और बहुत हाई कॉस्ट में भी होता है। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरे को ज्यादा मतलब खर्चा करना चाहिए ट्रांसप्लांट के ऊपर या कम करना चाहिए, एक जो जायज कॉस्ट होती है, मुनासिब कॉस्ट होती है वो कितनी होनी चाहिए जिससे आपका ट्रांसप्लांट जस्टिफाइड करे कि हाँ मेरे को इतने में बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप सस्ते क्लिनिक में करा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे आपको सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती और साथ में आपको वहाँ पे जो डॉक्टर होता है जिसके सुपरविजन में पूरा ट्रांसप्लांट होता है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको थोड़ा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। मेरी नजर में जो सबसे बेस्ट कॉस्ट है ट्रांसप्लांट के लिए वो 2240 मतलब 20 रुपए पर ग्राफ से 40 रुपए पर ग्राफ जो चार्ज करते हैं आपको उसी में ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अब बहुत सारे बंदे ये कहते हैं कि यार बहुत सारे क्लिनिक 70 रुपए 100 रुपए 300 रुपए पर ग्राफ चार्ज, वहां क्यों ना कराए। देखो वहां भी नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन मेरा आपको यह कहना है कि आपको अगर स्मार्ट डिसीजन लेना है अपने ट्रांसप्लांट का तो आप 2240 रुपीज पर ग्राफ जहां पे चार्ज होता है 20 रुपए पर ग्राफ से स्टार्ट होता है और 40 तक होता है, मतलब 20, 25, 30, 35, 40 रुपए पर ग्राफ जहां चार्ज होता है आपको वहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ऐसी जगह हुआ है, उस क्लिनिक में हुआ है जहां पे 22, 30, 35 रुपीज पर ग्राफ तक चार्ज होता है, एक जो मेरे नजर में एक मीडियम कॉस्ट है। अब ये बहुत सारे बंदे ये कमेंट करेंगे ये मीडियम नहीं बहुत ज्यादा होती है, तो उनको बता दूं अब बहुत सारे क्लिनिक वालों ने रेट बढ़ा दिए, वहां पे 100 रुपए 120, 300 रुपए पर ग्राफ चार्ज होते हैं, तो उस हिसाब से 2240 तो मीडियम कॉस्ट हुई, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती। मैं देखो आपको एक चीज और बता दूं, ट्रांसप्लांट महंगा होने वाला है, सभी क्लिनिक अपने चार्ज बढ़ा रहे हैं और जो बहुत सस्ते में कर रहे हैं तो वहां आपको कुछ मतलब चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आपको मेरी नजर में जो बोलते हैं ना एक परफेक्ट कॉस्ट वो 2240 रुपीज पर ग्राफ्ट है। आपको जहां पे इतना चार्जेस वाले क्लिनिक मिलते हैं वहां ट्रांसप्लांट करा लो। और मैंने अपना चार्जेस बता दिए, बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं बार बार अपनी कॉस्ट बताओ। देखो मेरी 22-35 रुपीज पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जैसे मैं यूट्यूबर हूं तो मेरे को थोड़ा मोटा डिस्काउंट मिल गया था, तो मेरा ट्रांसप्लांट ये हुआ था और मेरे चार्जेस कुछ ऐसे थे। मैं पिछले 4-5 साल से ये चीजें बहुत गौर कर रहा हूं कि यार एक मतलब एक परफेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए ट्रांसप्लांट की, तो मैंने यही सोचा, एक कंक्लूजन यही निकाला। आप बड़े क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराते हैं, आप 100 रुपए 150, 200 रुपए पर ग्राफ चार्जेस देते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट तो वही आम मिलता है जैसा मेरा है, इससे बेस्ट तो नहीं मिल सकता। देखो इससे बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़े क्लिनिक में करा के मेरा बहुत बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांट से आपके कभी भी नेचुरल जैसे बाल नहीं आते। आप चाहे 20 रुपए पर ग्राफ वाले में करा लो, चाहे आप 300 रुपए
रुपए पर ग्राफ वाले में करा लो, आपको रिजल्ट सिर्फ आपका स्कैल्प कवर होता है, थोड़ा लुक बन जाता है, हमारे सर पे लाखों बाल होते हैं तो उनको कवर करने के लिए 4-5 हज़ार लगते हैं, लेकिन डॉक्टर लगाने का इतना अच्छा तरीका होता है कि वो सही तरीके से स्कैल्प कवर कर देता है, एक लुक बन जाता है जैसे मेरा बना हुआ है। तो इस तरह होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि बड़े क्लिनिक में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये गलत फहमी है। मैं देखो साफ बता देता हूँ, बहुत सारे बंदे आज शायद कुछ क्लिनिक वाले आज मेरी बातों से चिढ़ जाए, लेकिन मैं सच्चाई बताना जरूरी समझता हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि यार बड़े क्लिनिक में किस तरह के रिजल्ट है, छोटे में कैसे रिजल्ट है। तो मैंने कंक्लूजन यही निकाला कि आप मीडियम कॉस्ट में ट्रांसप्लांट कराएं, ज़्यादा ट्रांसप्लांट पे अपने पैसे खर्च ना करें, आप अपने काम में लगाएं। और ट्रांसप्लांट हमारा शौक होता है और शौक के ऊपर कभी भी लाखों रुपया खर्च नहीं करने चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, अपने काम को बिजनेस में या जॉब में बहुत आगे बढ़ना है, तो आप अपने शौक पे पैसे ना उड़ाए, आप एक लिमिटेड बजट लेके चले, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद आपके और भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे केयर के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, डाइट वगैरह के ऊपर। अगर आप ट्रांसप्लांट पे ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर लोगे तो उसके बाद आपको लगातार खर्चे करने हैं, तो ये एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि आप थोड़ा मीडियम कॉस्ट में ट्रांसप्लांट कराए क्लिनिक में, और साथ में जो मेरी मेडिसिन डाइट वगैरह केयर है उस पर थोड़ा खर्चा करें। और जो रिजल्ट देते हैं ये जो मीडियम कॉस्ट वाले, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं, जैसा मेरा रिजल्ट है। मैं बहुत सारे बंदों का ट्रांसप्लांट करा चुका हूं जहां पे एक मीडियम कॉस्ट है, मीडियम कॉस्ट बोले तो वही 2240 है, और उनके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए हैं। और कुछ बंदों का मैंने ऐसी जगह पे भी ट्रांसप्लांट कराया है, उनको क्लिनिक सजेस्ट किया है जहां पे 100-150 रुपए पर ग्राफ थे, लेकिन आप सच मानना उनके रिजल्ट बिल्कुल सेम थे, कुछ अलग रिजल्ट नहीं था। जिन बंदों का बजट बहुत अच्छा, जिनको पैसों की दिक्कत नहीं होती, वो तो सिर्फ यही बोलते हैं कि आप हमें बेस्ट क्लिनिक बताओ। अगर मैं उनको लो कॉस्ट क्लिनिक भी बता दूंगा शायद वो वहां नहीं जाएंगे, इसलिए मेरे को थोड़ा हाई कॉस्ट क्लिनिक उनको बताना पड़ा। और अगर मैं अपने पर्सनल में व्हाट्सएप में आपको ये चीजें बताऊंगा, शायद आपको ये चीजें इतनी मेरी प्रभावशील नहीं लगेगी, आपको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे फेंक रहा है, इसको इतनी नॉलेज वॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा तो आपकी बात दिमाग में जरूर कनेक्ट करेगी, आपके माइंड में कनेक्ट जरूर करेगी, हाँ ये बंदा यार सही बता रहा है। इसलिए मैंने सोचा यार इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बननी चाहिए। इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पे मैंने कोई नहीं देखी कि एक अच्छी कॉस्ट क्या होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट की। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इतनी कॉस्ट में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और इतनी कॉस्ट में ही आपको रिजल्ट जबरदस्त मिल जाएगा। जो मेरे को एक्सपीरियंस है वही आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूं मेरी इस बात से आप कनेक्ट किए होंगे, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपको प्रॉपर पूरी गाइड मिले, पूरी नॉलेज मिले, पूरी अवेयरनेस आए कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में ये हो रहा है और ये होता है और आगे ये होने वाला है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले देखने को मिले। मेरे ट्रांसप्लांट को 4.5 महीने हो चुके हैं और मेरा कुछ ऐसा रिजल्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है और अभी तो बहुत आएगा। और ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग आप कुछ भी हेल्प चाहते हैं, पूरी गाइड चाहते हैं कि यार ट्रांसप्लांट मैं कहाँ कराऊँ, मेरे क्या क्या ट्रांसप्लांट के बाद केयर करनी, मेरे को प्रिकॉशन लेने, डाइट लेनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी हेयर ट्रांसप्लांट की। और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इस तरह की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा, साथ में अपनी रिजल्ट की जर्नी भी दिखाता रहूँगा। मेरी अभी ट्रांसप्लांट को 150 दिन होने वाले हैं, तब मैं रिजल्ट की वीडियो फिर लेके आऊँगा। आप वीडियो ज़रूर देखना, रिजल्ट देखना कितना अच्छा बूस्ट हो रहा है मेरा रिजल्ट, और मैं अपने ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या कर रहा हूँ बेस्ट रिजल्ट के लिए, वो भी आप ज़रूर देखना। फिर अब चलता हूँ भी एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जल्दी आपके सामने आ जाऊँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।